दोपहर के 12 बज रहे, नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्य। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है देश भर के मोहल्लों में दुकानें खुलने से जुड़ी हुई। केंद्र सरकार के आदेश के बाद कई राज्य सरकारें अभी भी असमंजस में हैं। कई राज्यों ने अभी दुकानें खोलने पर कोई फैसला नहीं लिया। गुजरात सरकार ने केंद्र सरकार के फैसले के बाद एक बैठक बुलाई है, जिसके बाद दुकानें खोलने पर फैसला लिया जाएगा। वहीं महाराष्ट्र के कारोबारियों ने कहा है कि दुकानें खोलने का फैसला राज्य सरकार और बीएमसी के आदेश के बाद ही लिया जाएगा। बिहार और पंजाब में भी मुख्यमंत्री अधिकारियों के साथ बैठक के बाद ही दुकानें खोलने पर फैसला लेंगे। यूपी में भी योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में टीम 11 की बैठक हो रही है, जिसमें कोरोना संकट से निपटने के साथ ही दुकानें खोलने के केंद्र सरकार के आदेश पर भी चर्चा होगी और उसके बाद ही अंतिम फैसला लिया जाएगा। बड़ा डेवलपमेंट हुआ है, होम मिनिस्ट्री की तरफ से एक आदेश आया है जिसमें रिहायशी इलाकों में ज़रूरी सामान की और गैर ज़रूरी सामानों की दुकानें अब खुल सकेंगी। दिल्ली में किस तरह से लागू होगा सर, देखते हैं, अभी पता लगा है किस इस तरह का ऑर्डर है, उसको स्टडी करके तब बता पाएंगे। नहीं, उसमें कहा गया कि हॉटस्पॉट में नहीं, जो इलाके हॉटस्पॉट हैं उनको छोड़ा जाएगा, लेकिन दिल्ली में सभी इलाके हॉटस्पॉट हैं, तो क्या इसको किस तरह से देखिए, अभी देख लेते हैं। अभी ऑर्डर रात को, देर रात को लागू हुआ होगा, उसको देखने के बाद ही कोई कमेंट कर पाएंगे। उस नोटिफिकेशन में जो बताया गया है उसके हिसाब से पूरे देश में ग्राम्य विस्तारों में, गांवों में जो छोटी छोटी दुकानें हैं या व्यापारियों की जो भी दुकानें हैं, किसी भी प्रकार का वो वहां व्यापार वगैरह करते हैं, उनकी दुकानें खोलने के लिए निर्णय लिया गया है। और शहरी विस्तार, महानगर पालिका और नगर पालिका विस्तार में इसको कैसे खोलना के लिए भी गाइडेंस दिया गया है। नोटिफिकेशन में जो कंडीशनें रखी गई है उसको देखते हुए हम निर्णय करेंगे। आज मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में दोपहर को एक मीटिंग है, इसमें इसके बारे में चर्चा विचारणा करके निर्णय लिया जाएगा। जो कॉमर्शियल सेक्टर है वो भी गति में आए, इसके लिए भारत सरकार जिस प्रकार से मंजूरी देती है उस प्रकार से हम उसको अमल में लाते हैं और पटरी अपनी जो है वो लाइन पर लाने के लिए पूरे देश में जो भारत सरकार प्रयत्न करती है उसमें हम भी सम्मिलित होते हैं। कुछ सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। अजीत सिंह हमारे साथ लखनऊ से इस वक्त मौजूद हैं, अनुराग ढांडा दिल्ली से हैं, अभिषेक पांडे मुंबई से इस वक्त हमारे साथ हैं, मोहित मल्होत्रा चंडीगढ़ से हैं और जनक दवे अहमदाबाद से हैं। सबसे पहले मैं अभिषेक का रुख कर लेती हूं मुंबई का। अभिषेक, क्योंकि हम देख रहे हैं मुंबई में बहुत ज्यादा केस सामने आ रहे हैं, क्या सरकार का क्या फैसला दिख रहा है? देखिए, सरकार ने साफ कर दिया है कि खास करके कंटेनमेंट जोन तो अलग की बात है, लेकिन रेड स्पॉट के तौर पर मुंबई, पुणे, नागपुर और इसके अलावा मालेगांव, जहां पर सबसे ज़्यादा केसेस इस समय निकल के सामने आ रहे हैं, इन चार जगहों पर किसी भी तरीके की रियायतें नहीं मिलेगी। हालांकि 10 जिले ऐसे हैं जहां पर अभी शून्य केसेस हो गए हैं, उन जगहों पर थोड़ी रियायतें मिलेंगी और खासकर केंद्र सरकार द्वारा जो गाइडलाइन जारी की है उससे जुड़े भी कुछ रियायतें दी जाएंगी, यानी साफ है कि उन 10 जिलों में थोड़ी सी सहूलियत दी जाएगी। लेकिन मुंबई की बात करें, मुंबई में अकेले करीब 5000 केसेस हैं, जिसको लेकर के मुंबई फिलहाल रेड जोन में है और मुंबई के किसी भी इलाके में कोई भी सहूलियत नहीं मिलने जा रही है। जिस तरीके से तमाम सारे एसोसिएशंस ने भी ये कहा है कि केंद्र सरकार का फैसला जो भी है वो राज्य सरकार और बीएमसी डिसीजन ले और उसके बाद वो जिस तरीके से ग्राउंड पर लाएगी। ठीक है, चलिए अभिषेक लौटूंगी मैं आपके साथ, अजीत का रुख कर लेते हैं लखनऊ से, वो हमारे साथ हैं। अजीत, अब योगी सरकार की बैठक चल रही है, कितनी देर में तय हो जाएगा कि दुकानें खुलेंगी या नहीं? देखिए बिल्कुल अर्पिता, मुख्यमंत्री आवास के बाहर ही हम मौजूद हैं और मुख्यमंत्री की टीम 11 के साथ बैठक चल रही है। मुख्य सचिव भी यहाँ मौजूद हैं, डीजीपी, अपर मुख्य सचिव गृह भी। लेकिन दो चीजें साफ कर दूं अर्पिता आपको, पहला, जो जिले हॉटस्पॉट है यानी जैसे राजधानी लखनऊ, यहाँ कोई परिवर्तन नहीं होगा। जिलाधिकारी से खुद बात हुई हमारी, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये हॉटस्पॉट का इलाका है, 200 से अधिक संख्या यहाँ आज पहुंच गई है, 202 हो गई पॉजिटिव मरीजों की संख्या, लिहाजा हॉटस्पॉट वाले इलाकों में कोई छूट मिलने नहीं जा रही। लेकिन जिन 56 जिलों में छूट दी गई वहां इन सर्विसेज को कैसे बढ़ाया जाए तो उसको लेकर मुख्यमंत्री की बैठक चल रही है और अभी भी मुख्यमंत्री आवास पर बैठक चल रही है और लगभग 1 बजे के आसपास ये बैठक खत्म होगी, उसके बाद स्थिति साफ होगा भाई, क्योंकि 1600 मरीजों की संख्या। अजीत, मैं लौटूंगी आपके पास, जनक का रुख कर लेते हैं, अहमदाबाद में इस वक्त क्या स्थिति है? जनक, वहां पर क्या दुकानें खुलेंगी, कब तक होगा फैसला?
देखिए अभी आपने उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल को सुना, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि जो नगर निगम है उसके बाहर या नगर पालिका या गाँव में जो कस्बे हैं वहाँ पर दुकानें खुल जाएगी। तो ये बिल्कुल साफ है, जो ग्रीन जोन है वहाँ पर दुकानें आज से या कल से शुरू हो जाएगी, लेकिन नगर निगम जहाँ पर अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और सूरत जैसे बड़े शहर हैं, अहमदाबाद, सूरत, बड़ौदा, राजकोट, ये हॉटस्पॉट इलाकों में भी है, वहाँ पर क्या होगा इसको लेकर दोपहर को बैठक है, तो शाम तक तय हो जाएगा कि इन इलाकों में आखिरकार क्या फैसला ले सकते हैं। ठीक है, चंडीगढ़ में क्या स्थिति है, वहां पर दुकानें खुलेंगी? देखिए चंडीगढ़ में अभी दुकानें खुलेंगी या नहीं इसको लेकर कोई भी फैसला नहीं आया, जो पुराने आदेश हैं वही लागू हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा चंडीगढ़ में मेरे पीछे जो आप दुकानें देख रहे हैं वो सिर्फ जो जरूरी सामान की दुकानें हैं, यानी जो मेडिकल शॉप्स हैं और उसके साथ किराने की दुकानें वही खुली हैं और वहाँ पर लोग सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए सामान खरीद सकते हैं। सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक ये आदेश लागू है कि कर्फ्यू के दौरान ढील दी जाएगी, लेकिन नया आदेश जो आया है उसको लेकर अभी कोई भी अलग से नोटिफिकेशन नहीं दिया गया है। कंटेनमेंट जोन के अंदर चंडीगढ़ अभी घोषित है, तो यहाँ पर कोई भी छूट मिलने की फिलहाल ऐसा नहीं लग रहा, कोई रियायत मिल पाएगी। जी अनुराग, दिल्ली में तो 11 के 11 जो जिले हैं वो हॉटस्पॉट हैं, तो ऐसे में दिल्ली में संभावना कमी देखें दुकानों के खुलने की? देखिए सरकार आधिकारिक तौर पर तो आपने सुना ही बयान सत्येंद्र जैन जिस तरीके से बता रहे थे कि सरकार अभी इस पर फैसला लेगी, लेकिन जो हमारे सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिल रही है दिल्ली में कोई रियायत मिलने की फिलहाल गुंजाइश नहीं है, क्योंकि न सिर्फ सारे जिले हॉटस्पॉट हैं बल्कि जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं चाहे वो दिल्ली हो चाहे मुंबई हो अहमदाबाद हो, बड़े बड़े शहरों में सबसे ज्यादा केसेस हैं और एक तरीके से कह सकते हैं आप जी जो कोरोना महामारी जो भारत में फैली हुई है उसका एक बड़ा अंश जो है वो घनी आबादी वाले बड़े शहरों में है, तो यहाँ पर रियायत मिलने की कोई गुंजाइश नहीं है, ना ही बाकी बड़े शहरों में कोई रियायत मिलने की गुंजाइश है। हाँ, दूर दराज के इलाकों में छोटे कस्बों में जहाँ पर कोई भी केस नहीं है, आपको यहाँ रोक रही हूं क्योंकि दिल्ली का जिक्र हम कर रहे हैं, जरा दिल्ली की कुछ तस्वीरें भी हम देख लेते हैं। हालांकि आप कह रहे हैं कि यहाँ संभावना नहीं दिख रही है, लेकिन यहाँ देखिए दिल्ली में कुछ दुकानें हैं जिन्हें शायद अभी तक जानकारी नहीं मिली है कि सरकार यहाँ राज्य सरकार की तरफ से भी कोई फैसला आना है, उसके बाद ही ये हो सकता है। फिलहाल ये कॉपी किताब की जो दुकान आप देख रहे हैं यहाँ पर ये खुल गई है और ग्राहक भी वहां पर पहुंच रहे हैं। लक्ष्मी नगर की तस्वीरें हैं दिल्ली की, जहां पर कुछ दुकानें क्योंकि अब खुलती दिख रही हैं, क्योंकि ऐसी खबरें आई कि जो गाइडलाइंस थी सरकार की, केंद्र सरकार की, हो सकता है लोग यही कॉपी कर रहे हो, लेकिन शायद अभी ये जानकारी ना हो कि राज्य सरकार भी एक महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभाएगी और राज्य सरकार को तय करना है कि कौन सी दुकानें खुल सकती हैं या रियायत ये मिल सकती है या नहीं मिल सकती। स्टेशनरी की ये दुकान आप देख रहे हैं जो दिल्ली में खुली है, हालांकि ग्राहक भी वहां पर पहुंच रहे हैं अभी, लेकिन यही संशय की स्थिति अनुराग बनी हुई है। क्या इसको लेकर कोई समीक्षा बैठक भी होगी? लगभग एक महीने के बाद आप शॉप खुला कर रहे हैं क्योंकि सरकार का आदेश आ गया है कि नॉन एसेंशियल जो प्रोडक्ट्स है सर्विसेज से उसको खुला कर देना चाहिए, तो क्या आप उम्मीद कर रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? अभी तो कस्टमर है नहीं, इक्का दुक्का रहे, वो सफाई वफाई करने में निकल, चलो सफाई करके देख लेते हैं, लेकिन अभी तो कस्टमर ही नहीं। 11 बजे आए, अभी तो आधा घंटा हुआ, एक कस्टमर आपके सामने आया हुआ है, तो अभी तो कस्टमर है नहीं, लेकिन अगर सुनेंगे तो हो सकता है, लेकिन अभी तो वैसे इतने आफत है कि घर में भी बैठने से बैठे ही थे, लेकिन जब आज सुना कि किताबों वालों की छूट मिली हुई है, बच्चों का फोन भी आ रहा था तो आज आ गए, लेकिन अभी तो बच्चे तो कोई दिख नहीं रहे, देखो आते हैं कि नहीं आते। तो मकान जी, क्या आपके पास कोई नोटिफिकेशन या फिर मैसेज आया? मैंने सर न्यूज में देखा था, न्यूज में आया हुआ कि गवर्नमेंट जो है, मैसेज नहीं है, हर न्यूज पेपर में आया हुआ था, किताब के पंख कल भी आया था कि न्यूज में, तो आज मैंने देखा, मैंने कहा कि लॉकडाउन है और बाकी जो डिस्टेंसिंग है, सोशल डिस्टेंसिंग का रूल है उसको सब फॉलो कर, वो तो सब करेंगे सर, आपको अंदर नहीं आने देते ना किसी को, मास्क भी पहनने, मास्क, वो तो सब कुछ, किताब खरीदने। जी शुक्रिया मगर, थैंक यू सर। तो अनुराग, यानी अखबार पढ़ के टीवी देख के फिलहाल इन लोगों ने दुकान जरूर खोली, लेकिन शायद इन्हें पता नहीं है कि अभी राज्य सरकार जैसा बोलेगी उस हिसाब से ही कदम उठाने हैं। देखिए बिल्कुल लोगों में थोड़ा सा कंफ्यूजन है और इसीलिए बहुत जरूरी हो जाता है इसको क्लेरिफाई करना कि केंद्र सरकार पहले ही अपने आदेशों में स्पष्ट कर चुकी है कि वो जो भी गाइडलाइन या आदेश जारी करेंगे उन पर फाइनल टेक जो है वो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी का होगा, यानी डीएम का होगा, डीसी का होगा, अपने अपने इलाकों में वो जब आदेश जारी करेंगे वो उस डिस्ट्रिक्ट में इम्प्लीमेंट होगा और इनके बीच में आती है राज्य सरकार। जैसा राज्य सरकार आदेश देती है वैसा ही डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी उसके अकॉर्डिंग आदेश देता है, तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार के फैसला लेने के बाद ही तय होगा। और जो दुकानें इक्का दुक्का कन्फ्यूजन में खुल भी गई हैं, आप देखेंगे कि अभी अगर ये खबर चली है तो कुछ ही देर में आप देखिए कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो वहां का होगा, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, वो ये इंश्योर करेगा कि ये दुकानें बंद हों, क्योंकि अभी तक इस बारे में स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आधिकारिक कोई आदेश नहीं आया,
डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई आदेश नहीं आया है और जब वो आदेश आएंगे तभी फाइनल क्या इम्प्लीमेंटेशन होना है ग्राउंड पर वो तय हो पाएगा। ये गाइडलाइंस जो है ये पूरे देश के लिए एक मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है वो गृह मंत्रालय की तरफ से बता दिया गया है कि अगर आप रियायत देते हैं तो इस हद तक दे सकते हैं, वो एक लिमिट सेट कर दी गई है, उसके बाद कहां कितनी रियायत देनी है वो राज्य सरकारों को और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को तय करना है। बिल्कुल, यानी राज्य सरकारों की देखिए कई जगहों पर बैठक भी चल रही है और उसी के बाद तय होगा कि किस राज्य में कितनी छूट मिलनी है, इसलिए इंतजार करना होगा उनके फैसले का भी। लेकिन दरअसल लॉकडाउन के बीच गृह मंत्रालय ने पूरे देश में दुकानें खोलने की छूट दे दी है, यानी अब से आपके मोहल्ले की दुकानें खुल सकेंगी। लेकिन अभी भी जिस तरीके से हम बता रहे हैं कि जो फैसला है वो राज्य सरकार को भी लेना है, गाइडलाइंस केंद्र सरकार की तरफ से जरूर दिया गया है। गृह मंत्रालय के आदेश के मुताबिक मोहल्ले की सभी दुकानें खुल सकेंगी, लेकिन ये जो निर्देश है वो शॉपिंग मॉल पर लागू नहीं होगा, यानी शॉपिंग मॉल नहीं खुलेंगे। साथ ही कोरोना हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन वाले जो इलाके हैं वहां दुकान खोलने पर पूरी तरीके से पाबंदी रहेगी, यानी कोरोना हॉटस्पॉट वाले जो इलाके हैं वहां पर दुकानें नहीं खुलेंगी। पहले जैसे ही वहां पर दूध है या जो भी राशन है वो प्रशासन की तरफ से पहुंचाए जाएंगे। गृह मंत्रालय ने यह भी साफ कर दिया कि इस निर्देश के तहत दी गई छूट शराब की दुकानों पर लागू नहीं होगी। साथ ही ये भी साफ कर दिया गया कि ई कॉमर्स कंपनी को भी पहले की तरह सिर्फ जरूरी सामान की बिक्री करने की छूट रहेगी, यानी ई कॉमर्स कंपनियां गैर जरूरी सामान की बिक्री शुरू नहीं करेंगी। गृह मंत्रालय ने दुकानें खोलने के लिए कुछ नियम और शर्तें भी तय की हैं, जिनके मुताबिक सिर्फ जो रजिस्टर्ड दुकानें हैं वही खुलेंगी और इन दुकानों में भी जो आपका स्टाफ है वो 50% से कम ही होना चाहिए। गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन के बीच देश भर में दुकानें खोलने के आदेश पर सफाई जारी की। गृह मंत्रालय ने साफ कर दिया कि इस आदेश के तहत दी गई छूट शराब की दुकानों पर लागू नहीं होगी। साथ ही ये भी साफ कर दिया गया कि ई कॉमर्स कंपनियों को भी फिलहाल गैर जरूरी सामान बेचने की छूट नहीं दी गई है, यानी पहले की ही तरह ई कॉमर्स कंपनियां फिलहाल सिर्फ जरूरी जो सामान है वही बेच सकेंगी। अमित पांडे हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अमित, यानी ये छूट जो है वो पहले जैसी ही है आप ई कॉमर्स कंपनियों के लिए फिलहाल? अमित से एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो बड़ी खबर इस वक्त की एक बार फिर से जरा उस पर नजर दौड़ा लेते हैं। गृह मंत्रालय ने दरअसल साफ ये किया है कि ये जो निर्देश गृह मंत्रालय की तरफ से हैं वो शराब की दुकानों पर लागू नहीं होंगे, यानी शराब की दुकान नहीं खुलेंगी। साथ ही ये भी साफ कर दिया गया कि जो ई कॉमर्स कंपनियां हैं फिलहाल वो गैर जरूरी सामान बेचने की उनको छूट नहीं है, यानी पहले की तरह जो चला आ रहा था कि ई कॉमर्स जो कंपनियां हैं वो जरूरी सामान बेच सकेंगी, वो डिलीवर कर सकेंगी, लेकिन वो गैर जरूरी सामान फिलहाल नहीं बेच पाएंगी, यानी उनके लिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। जो जैसा अभी तक चला आ रहा है फिलहाल 3 मई तक वैसी ही सिचुएशन रहने वाली है। गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन के बीच देश भर में दुकानें खोलने के आदेश पर सफाई ये जारी की है। अमित हमारे साथ जुड़ गए। अमित, अगर आवाज आ रही है आप तक तो बताइए, क्या ये छूट क्या ई कॉमर्स कंपनियों को फिलहाल गैर जरूरी सामान वो नहीं बेच पाएंगे, पहले जैसे ही है सब कुछ? जी बिल्कुल, गृह मंत्रालय